सावित्री, तू तो ऐसे सज रही है जैसे शादी तुम्हारी सहेली की नहीं तुम्हारी हुई हो। अरे इतना सच चवन तक जाओगी तो कोई पृथ्वीराज तुम्हें संयुक्ता समझकर उठा न ले जाए। फिक्र न कर, मैं वो संयुक्ता नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपना पृथ्वीराज उठा लाऊंगी। हाँ चलो चलो जल्दी करो, बारात आने का वक्त हो गया, चलो जल्दी। दुल्हन बीबी, अपनी जान की सलामती चाहती हो तो उतार दो सारा सोना जो सर से पांव तक पहन रखा है। आगे मत बढ़ना नहीं तो तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगी। औरतों के हाथ में चूड़ियां अच्छी लगती हैं, तलवारें नहीं। जो काम हम करने आए थे वो अब तुम्हें करना होगा। इस खाली बैग में अपनी और अपनी सहेलियों के जेवर भर दो, वरना इस बंदूक में जितनी गोलियां भरी हैं सारी की सारी इस दुल्हन के शरीर में उतार दूंगा। ये लो अपना पाप। अब अपनी जान बगल में दबाकर भाग जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता कि इस पवित्र वेदी के फूलों पे तुम्हारे गंदे खून के छींटे बरसाए जाएं। चलो भाग चले यहां से, चलो भगाओ। ये नौजवान कौन है? लोग कहते हैं जब कहीं जुल्म की आंधी उठती है या किसी सुहागन का सिंदूर खतरे में होता है, यह नौजवान वहां पहुंच जाता है। ये लीजिए गहने, दुल्हन को पहना दीजिए। पंडित जी मंत्र पढ़िए, जो फेरे शुरू हो चुके हों वो कभी अधूरे रहने नहीं चाहिए। परम धर्म वाले की गोलियों से तो बचकर आ गए हम लोग, लेकिन शमशेरा से हमें कौन बचाएगा? वो हमें जिंदा जला डालेगा। इसने ठीक ही कहा, शमशेरा की किताब में इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है, और इस जुर्म की सजा है मौत, सिर्फ मौत। और मौत से बचने का एक ही रास्ता है और एक ही जगह है। वो कौन सी जगह है? वो है पुलिस की हवालात। बधाई हो राय साहब, बधाई हो। शुक्रिया ठाकुर साहब। अरे वो फरिश्ता कहां गया जिसने हमारी बेटी की अमानत और इस गांव की इज्जत को लूटने से बचाया है? जुल्म से लड़ने के लिए जो लोग दूसरों की आग में कूदते हैं वो किसी धन या धन्यवाद का इंतजार नहीं करते राय साहब। चल दोस्त, फिर तूने अपना फर्ज अदा कर दिया,
पता नहीं हर खतरे से पहले तुझे किस तरह पता चल जाता है। सुनिए, हम आपके एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते, ये छोटी सी भेंट है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। जो मैंने किया है वो एहसान नहीं था, मेरा धर्म था, और धर्म अपना इनाम खुद होता है। उसे सोने चांदी के तराजू में तोलकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया आपका नाम क्या है, कौन है आप? समझ लीजिए मैं एक राही हूं जिंदगी के सफर का, और ये मेरा दोस्त है जो मुझे रास्ता दिखाता है। अपनी हिफाजत के लिए जगह तो अच्छी ढूंढी है, लेकिन ये भूल गए कि दुनिया में कोई भी ऐसा मकाम नहीं जहां मौत का फरिश्ता अपने पर ना फैला सके। इस थाने की दीवारें तो ईंट और पत्थरों की बनी हुई हैं। मैं तो फौलाद की दीवारें चीरकर भी तुम तक आ जाता, ये बताने के लिए कि ये दुनिया ऐसा जंगल है जिसमें सिर्फ शेरों को जीने का हक है, तुम जैसे गीदड़ों को नहीं। आप गोली आपने चलाई? हाँ। क्यों? एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। क्या? दिल। मैं तो कुछ और ही समझा था, किसने चुराया आपका दिल? जिंदगी के सफर की एक राहिनी जिसकी राह ढूंढते ढूंढते मैं यहां तक पहुंच गई हूं। क्या देखा आपने उस राही में जो ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गई? एक दिल देखा जो दूसरों के दुख को समझता है, दो बाजू देखे जो कमजोर इंसान को जुल्म से बचाते हैं। बस आप तो सिर्फ गोली बंदूक की भाषा समझते हैं, और ये भाषा आपने सीखी कहां से? पहले मैं भी अहिंसा का पुजारी था, डाकुओं ने आयन शादी के मौके पर मेरी बहन का दहेज लूट लिया। जिस दरवाजे से डोली उठने वाली थी उसी दरवाजे से दो अर्थियां उठी, एक मेरी बहन की और दूसरी उसके दूल्हे की। लेकिन तुम जिसका ख्वाब देख रही हो कभी पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है, नाजुक धागे की जगह विश्वास की मजबूत डोर बंधी होनी चाहिए। आप सिर्फ एक बार डोर तो थामिए। मैं भी तुम्हारे विश्वास की ताकत के सामने हार गया, जैसे एक बार मौत का देवता सत्यवान की सावित्री के विश्वास के सामने हार गया था।
सावित्री। सावित्री, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो दो शरीरों की मांग नहीं थी, दो आत्माओं का मिलन था। दुर्गा मां हमारी शादी की गवाह है। मैं इसी वक्त तुम्हारे पिताजी के पास जाकर हमेशा के लिए उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो मैं क्या समझूं, आपकी तरफ से शादी की बात पक्की हुई? क्या आपको मेरे वचन पे विश्वास नहीं? आपके वचन पे मुझे पूरा यकीन है, पर अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं। उम्र को जब बुढ़ापे का दीमक लग जाता है तो इंसान को हर सांस आखिरी सांस मालूम होती है। मैं चाहता हूं आखिरी सांस लेने से पहले अपने हाथों से यह शुभ कार्य कर दूं, सावित्री को आपके घर पहुंचा दूं और खुद अपने घर चला जाऊं। जाने की इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी तो आपको सावित्री के बेटे को गोद में खिलाना है। नाना के गोद में नहीं, दादी की गोद में खेलना है। मुंह मीठा कीजिए आने वाली खुशियों की खुशी में। आपके घोड़े को क्या हो गया आज? इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहां से दूर जरूर कुछ हुआ होगा। आज फिर किसी सुहागन का सिंदूर और दहेज खतरे में है। आप सोच क्या रहे हैं? आपका धर्म आपको बुला रहा है, आप जाइए। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं सावित्री, वहां पहुंचना मेरा धर्म बनता है और तुम्हारे पिताजी से मिलना मेरा फर्ज। आप इस उलझन में मत पड़िए, अगर मेरे कारण कोई दुल्हन लूट गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ मेरा प्यार आपके हाथ की तलवार बने, पांव की बेड़ी नहीं। आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम लोग खालिया चले आए, लागत है तुम पर डूबर चुल्लू में पानी। विनायक गुरु बानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम। दो महीने बीत गए, उनका कुछ पता नहीं। मैं मां बनने वाली हूं। घबराने की कोई बात नहीं, सारे डाकू भाग गए, आप सफर जारी रखिए। हाँ, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है। तुमने कई बाजियों में मुझे शिकस्त दी, मैंने जिस तरफ हाथ बढ़ाया तुमने बीच में ही उसे काट दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें काटूंगा, सर से पांव तक तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि गिनने वाला गिन नहीं सकेगा। अच्छा, तो ये सब झूठ था? बाकी सब झूठ था, लेकिन तुम्हारी मौत सच्ची है।
दो महीने से सोच रहा था कि ये परम धर्म वाला है कौन और इसे खत्म कैसे किया जाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक झूठी बारात बनाई जाए जिसमें घोड़े पर बैठा हो दूल्हे की जगह यमराज और डोली में हो खूबसूरत सी तुम्हारी मौत। विजय की अचानक और बेवक्त मौत ने सावित्री की जिंदगी को वीरानियों से भर दिया। ठाकुर साहब के अरमानों पर बिजली टूट पड़ी जब उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी बिन ब्याही मां बनने वाली है, जिसे दुनिया वाले पाप समझेंगे और सावित्री एक शूरवीर की निशानी। अपनी इकलौती बेटी का जीवन बचाने के लिए ठाकुर साहब ने एक झूठ का सहारा दिया और सावित्री से कहा कि उसने विजय के बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन बच्चा मरा हुआ था। ठाकुर साहब ने सावित्री को समझाया कि औरत को जिंदगी में तीन सहारों की जरूरत होती है, बचपन में पिता की, जवानी में पति की और फिर पुत्र की। ठाकुर साहब की जिद के सामने सावित्री की एक न चली और सावित्री ने अपने अतीत की आहुति अग्नि के इन सात फेरों में दे दी। पिता ने विदाई के समय सावित्री को समझाया कि शादी के बाद उसका सब कुछ उसका पति और उसका घर है। इधर सावित्री ने ठाकुर प्रेम सिंह के पुत्र को जन्म दिया। बेजुबान फरिश्ता बहादुर अपने मालिक विजय को नहीं भूल पाया और उसकी निशानी रवि पर अपनी वफादारी न्यौछावर करने लगा। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने का वादा किया। ये रुपए गरीबों में बांट दो। राजेश हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाया है कि इसे हीरे और मोतियों में तोला जाए तो भी कम है। जाओ। चलो बेटा, केक काटे। लो। शाबाश। ये लो। थोड़ा सा खा लो। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलना नहीं। सब जेवरात और पैसे निकालकर इस मेज पर रख दो, वरना जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है ये आज उसका आखिरी जन्मदिन होगा। नहीं। चलाओ। खबरदार, जो किसी ने बंदूक उठाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने मेरी एक आंख फोड़ी है ठाकुर, तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
करूंगा ठाकुर। तूने मेरी एक आंख फोड़ी है, तुझे दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, मंदिर नहीं जाना? ऐसे क्या देख रहे हैं सावित्री? हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तुम मुझे मंदिर ले जाना कभी नहीं भूलती। जिनकी वजह से मेरा ये सब कुछ है, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब देर ना करें, चलिए। चलो। आज तुमने टांग अड़ाई है 144, फिर ना रोना कभी, नहीं तो उसे काट कर तुम्हारी गर्दन के साथ बांध दूंगा। तूने भी आज जवान लड़ाई है छोकरे, दोबारा नहीं लड़ाना, वरना इसे जबाड़े में से निकाल कर चीर और कौओं को डाल दूंगा। हाँ। तुम जानते नहीं, मेरा नाम शक्ति सिंह है, और शक्ति सिंह जिस जेल में जाता है वहां का जेलर या तो इस्तीफा दे देता है या किसी दूसरी जेल में तबादला करवा लेता है। हमारा रिकॉर्ड भी कुछ तुमसे बुरा नहीं है, हम भी जिस जेल में जाते हैं जेलर की हुकूमत सिर्फ जेल के दफ्तर में होती है, जेल के अंदर हुकूमत शमशेरा की चलती है। हर कैदी को हदायत है कि जब भी शमशेरा के सामने से गुजरे पहले झुक के सलाम करे और फिर आगे बढ़े। और हमारे सर को शमशेरा ना ही झुकने की आदत है ना ही सलाम करने की, तुम में इतनी ताकत है तो इसे झुका के दिखा दे। मैं इसे झुकाकर भी दिखा दूंगा और काट कर भी दिखा दूंगा। शमशेरा, शमशेरा, तुम 7 साल के लिए जेल में आए थे, लेकिन इन्हीं खूनी उबालों की वजह से तुम्हारी सजा 7 साल से बढ़कर 14 साल हो गई, और फिर 14 साल से 21 साल। कल तुम्हारी रिहाई का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि रिहाई का मुंह देखने के लिए फिर तुम्हें बरसों लग जाए। शमशेरा ने पहली बार अकल की बात सुन भी ली और मान भी ली। नौजवान जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। छमिया, वाह मुन्नी भाई, आज तो तुम्हारे घुंघरू भी टूट गए। घुंघरू टूट गए, मुहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची, आज के घुंघरू टूट गए, मुहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर।
लगता है किसी रईस बाप का बेटा है। इसका बाप नया नया मरा है। मरा नहीं, अभी जिंदा है। जानते हो ये किसका लड़का है? शहर के सबसे बड़े रईस ठाकुर प्रेम सिंह का लड़का है। रुक जाओ। ले चलो। पहचाना मुझे? मौत को सामने देखकर भी नहीं पहचानते? शमशेरा, मैंने तुम्हारा दिया हुआ यह जख्म अपने सर आंखों पर रखा है। बरसों जेल में पत्थर तोड़े हैं ताकि जिस दिन तुमसे मुलाकात हो तुम्हारा हिसाब चुकता कर सको। आज वो दिन आ गया है ठाकुर, इसे पहचानते हो? ये खड्डा मैंने तुम्हारे लिए ही खोद कर रखा है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी ना टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। मर्द तो मैं हूं, वो भी असली, और बेटा भी मर्द का। कहो तो मर्दानगी के दो चार नमूने पेश करूं? चलो। लगता है कि तुम्हें पहले कहीं देखा है। जरूर देखा होगा। लो, बहादुर भी हाँ कह रहा है। अच्छाई बुराई की मुलाकात तो हर युग में होती है, फिर वही होता है जो हमेशा से होता आया है। बच्चे, हम कोई मामूली बला नहीं। जहाँ बुराई खत्म होती है हम वहां से शुरू होते हैं। अगर तुमने मां के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है तो शायद तुम पैदा होने से ही इंकार कर देते। फिर तो गया खड्डे में। क्या मतलब? मुलाकात तो होनी थी। विदाता के लिखे को कौन मिटा सकता है? रावण था तो राम थे, कंस था तो कृष्ण थे, दुर्योधन था तो धर्मपुत्र थे, राजा है तो रवि है। थोड़ी देर में दुनिया कहेगी कि रवि था और राजा है। हमने बड़े बड़े कर्मवीर देखे, धर्मवीर देखे, परमवीर देखे, शूरवीर देखे, लेकिन शब्दवीर पहली बार देखा। हमने भी बड़े बड़े राजा देखे, गलियों का राजा देखा, सड़कों का राजा देखा, भिखारियों का राजा देखा, लेकिन आज पहली बार कब्रिस्तान का काना राजा देख रहा हूं। देखो मिस्टर कण्या, मारा मारी से पहले एक शर्त है, जो खड्डे में पहली बार गिरेगा
वो अपने हाथों से मिट्टी समेट कर अपने आप को दफन कर लेगा। मंजूर? मुझे मंजूर है। दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। चल डाल मिट्टी। बेटा इसे माफ कर दो। चल आज तुझे माफ किया, ये तेरी पहली गलती थी। और एक बात सुन ले, अगर बुराई तेरा कर्म है तो अच्छाई मेरा परम धर्म है। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये सब? जिंदा पहुंच गया तुम्हारे पास। भगवान का शुक्र करो सावित्री, शमशेरा तो आ ही गया था आज, अपनी आंख का मेरी जान से बदला चुकाने। मुझे मारने से पहले एक नौजवान कहीं से आ गया और उसने तुम्हारी मां का सिंदूर मिटने से बचा लिया। कहां है वो नौजवान? आप उसे साथ नहीं लाए? वही तो यहां लेके आया है मुझे, बाहर खड़ा है वो। भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे बेटा, मैं तुम्हारी झोली सोने चांदी से भर दूंगी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि जो मैंने किया है वो उपकार नहीं था, वो मेरा धर्म था। और धर्म अपना इनाम खुद होता है। उसे सोने चांदी के तराजू में तोलकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं चलता हूं, उनकी देखभाल के लिए किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर साहब का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, आप उनसे नहीं मिल सकती। मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। सुनिए सुनिए, डॉक्टर साहब मुझे मालूम है इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहिए, पर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, रवि क्या आपका बेटा है? तुम्हें कुछ शक है सावित्री? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है रवि आपका बेटा नहीं है। सच क्या है डॉक्टर साहब, बोलिए सच क्या है? ये सच है सावित्री, रवि तुम्हारा ही बेटा है। मगर अब इस सच्चाई को मेरे साथ ही मर जाने दो, नहीं तो तुम्हारे हरे भरे घर में आग लग सकती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मां के बाद आप ही मेरे सब कुछ थे। हम मुझे छोड़कर चले गए, मैं अनाथ हो गया पिताजी, मैं अनाथ हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पति पत्नी के जीवन की इमारत
सिर्फ विश्वास की बुनियाद पर खड़ी होती है। सावित्री, जिस दिन प्रेम को पता चल गया कि तुम उसके विश्वास की आंखों में धूल झोंकती रही हो, तो इस इमारत को गिरने से कौन बचा सकेगा? इस इमारत को अब झूठ बचा नहीं सकता, बचा सकता है तो सिर्फ सच ही बचा सकता है। और आज मैं सच बता के रहूंगी। क्या बात है सावित्री? बात कुछ ऐसी है जो मैं ना कह सकी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर घुट कर मर जाएगा। मैं आपसे सब मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की कहानी पढ़ ली है। तुम अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हो ना? हाँ हाँ, आपको कैसे मालूम कि मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ? सावित्री, मैंने जिंदगी के कितने साल गुजारे हैं तुम्हारे साथ, दुख सुख बांटे हैं। तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कौन सा कोना है जो मुझसे छुपा है? है एक कोना जिसमें आज तक अपने मैं वो कोना भी जानता हूं। उसका नाम है रवि। रवि? क्या बताया रवि ने आपको? उसने बताया कि तुम डॉक्टर को मिलने गई थी, डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा और दम तोड़ दिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगा और तुमने उसके सर पे अपना हाथ रख दिया। और क्या कहा रवि ने? उसने कहा जब अपना हाथ तुमने उसके सर पे रखा तो उसे ऐसे लगा जैसे उसकी मां वापस आ गई हो। बेचारा, उसने मां को जाना ही नहीं, फिर भी मां से कितना प्यार करता है। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद वो अकेला हो गया है। मैंने उसे कहा वो हमारे घर आ जाए। मुझे विश्वास है तुम उसे मां का प्यार दोगी। मैं उसे घर ले आऊं? हाँ, घर नहीं। क्यों, क्या बात है? मेरा मतलब है मैं तुम राजेश के बारे में सोच रही हो? कहीं वो सोचेगा कि उसका हक बांटने वाला कोई आ गया। कोई बात नहीं, रवि हमारे गेस्ट हाउस में ठहर जाएगा, ठीक है? सावित्री, जवान बेटा बाप का बाजू होता है, ये मुझे रवि के आने के बाद ही पता लगा है। वो कैसे? जब से रवि ने हमारा कारोबार संभाला है, हर काम में उसकी समझ, मजदूरों से काम लेने का ढंग, ये सब बताता है कि वो हमारे कारोबार को हमसे बेहतर समझता है। चलो अच्छा हुआ, कोई तो आपका हाथ बटाने वाला मिल गया। मैं तो चाहता था कि तुम्हारा लाडला राजेश एक बार रवि से मिल तो लेता, लेकिन उससे अपनी आयाशी से फुर्सत ही कहां है। कौन हो तुम जो मेरे और मेरे शिकार के बीच में आके खड़े हो गए हो? शिकार का इतना ही शौक है तो जंगल में जाओ और किसी शेर का शिकार करो। कमजोर लड़कियों पर हमला करने वाले को शिकारी नहीं कहते। मालूम होता तुम्हारे मुंह में जो जबान है जरूरत से ज्यादा लंबी है, उसे काट के छोटी करनी पड़ेगी। मेरी जबान काटने से पहले मेरे हाथ की लंबाई तो देख ले। राजेश, ये क्या हो रहा है? बेटी,
यही हो रहा भी है, उस दिन जिसने शमशेरा से तेरे पिता की जान बचाई और अब हमारे कारोबार में इनका हाथ बटा रहा है। तो यूं कहो माँ कि ये हमारा नया नौकर है जो हमारे टुकड़ों पर पलकर अपनी औकात भूल रहा। राजेश, रवि तुम बताओ क्या हुआ? आप इन्हीं से पूछ लीजिए, मैं जानता हूं गलती तुम्हारी ही होगी। राजेश चलो हाथ मिलाओ उसके साथ। मैं नौकरों से हाथ नहीं मिलाता। ये क्या किया आपने, जवान बेटे पर हाथ उठाया? आपने मुझे बुलाया ठाकुर साहब? हाँ वो बंजारे लोग आए हैं, उनको मेला लगाने की जगह दे दो। बलराम, बलराम जो हुकुम जो हुकुम। बंजारे मैना। पिताजी पिताजी दरवाजा खोलिए पिताजी, हमारी किस्मत का दरवाजा भी खुल गया है, खाना बदोश लोग आ गए। पिताजी पिताजी पिताजी, अरे आज सुबह सुबह बेहोश हो गए क्या? पिताजी पहलो होश से काम लो, जोश से नहीं। सवेरे सवेरे तुमने सारे घर की छत सर पे उठा रखी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे दादाजी को अखबार पढ़ते वक्त शोर बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुबह सुबह शोर कैसा है झेलू? पिताजी पिताजी आपका पहलू आया है। पिताजी पिताजी कुछ सुना आपने, आपका परपोता पहलू आया है? दादाजी गजब हो गया, मैना और उसके कबीले वालों ने हमारी जमीन पर डेरा डाला है, और मैना है ना पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो गई है। वो तो भागने को तैयार थी लेकिन उसकी कम उम्र, आप लोग और हवालात के डर से मैंने ये आइडिया पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब वो पूरी तरह बालिग हो चुकी है और ये मौका मैं अपने हाथ से खोना नहीं चाहता। और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है भीम पलासी खानदान से हमारे पुरखों की इज्जत का बदला लेने का है? ये क्या हो रहा है मैना, तेरी सुबह पे उस पेलू का नाम, तेरी शादी और उस पेलू लफंगे के साथ? नहीं कभी नहीं, मेरी खानदानी दुश्मन के साथ नहीं कभी नहीं होगी। बापू मैं तन मन और जान से पेलू राम की थी, पेलू राम की हूँ और पेलू राम की रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। लेकिन क्यों? तुम्हारी शादी बंसी से होगी जो हमारे कबीले के सरदार के साले का साला है। सारी खुदाई, एक तरफ साले के साले का साला, एक तरफ यम यम। आहा आइए आइए हमारे होने वाले जवाहराज आइए। बापू आज मेरी मैना इतनी चुप क्यों है, चहक क्यों नहीं रही है? वो शर्मा रही है बेटे, तुझसे शर्मा रही है। थोड़ी देर के लिए तू बाहर चला जा, मैं इसे अभी चहकाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं मेले में अकेली जाऊंगी। अकेली अकेली? बापू बापू अगर मैना मेले में अकेली चली गई तो फिर वापस नहीं लौटेगी है? मुझे याद है इस उम्र में एक बार मेरी माँ भी अकेली मेले में चली गई थी, आज तक नहीं लौटी। नहीं लौटी क्या? हाँ ये जग बीती नहीं है बापू, आप बीती है। आओ आओ गुलफाम, आओ मेहरबान शहनशाह जहान, मेरे रुस्तम जमाल, आओ और आके मुझसे पंजा लड़ाओ और अपनी मर्दानगी आजमाओ। तमाशबीनो तुम्हें सिर्फ गुलबदन की कलाई मोड़नी है। इस मुकाबले का कुछ इनाम भी है? है क्यों नहीं, अगर हारोगे तो जितना माल तुम्हारी जेब में सब बिजली का, और अगर जीतोगे तो जितना माल मेरी जेब में सब तुम्हारा। फिर तो हम देखेंगे कि तुम्हारी जेब में कितना माल है। माल निकाल। अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? अरे घर से बटुआ लाया भी था या फोकट में तमाश भी नहीं करने चलाया था? अरे देखो लोगों, ये खेल इसी कलाई का नहीं हाथ सफाई का है। अबे ए जग्गा, जरा दिखाना स्मर्दुवे को अपने हाथ की सफाई। अबे चल, अबे मुंह से ऐसी बात आ गई जैसे शराब का पूरा पीपा उधेड़ दिया अंदर। अरे ओ शराबी,
क्यों दूसरों का बिजनेस खराब करता है? चल चले चल। अरे छोड़ो मुझे यार। है कोई और? कोई है कलाई मोड़ने वाला? ओ बिजली भाई, हम आ गए तुम्हारे बाजार में अपनी मर्दानगी आजमाने। देखना है कितना जोर है तुम्हारी कलाई में। हार जाओगे शहजादे, बिजली से जो पंजा लड़ाता है मुंह की खाता है। पंजा तो हम लड़ाएंगे बिजली भाई, तुम्हारी कलाई तो फूलों की तरह है। अरे हम तो वो हैं जो नंगी तलवार को मुट्ठी में पकड़ लेते हैं। अपनी जेब का माल निकालो। हिम्मत है तो खुद निकाल लो। हिम्मत तो बहुत है बिजली भाई, लेकिन हम औरत की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। जो माल तुम्हारे पास है वो औरत का गहना है, उसे इस तरह भरे मेले में नुमाइश ना किया करो। अरे जग्गा, वो भाषण देने वाला तो बड़ा चालू निकला, मेरी चोली में से बटवा ही निकाल के ले गया, तू पकड़ ना जाकर। मैं? अबे अबे पैसे लेके कहाँ भागता है? प्यार 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 तो है प्यार, यार मेरे यार।
होगी। नहीं, बस तू इस पिंजरे में बंद रहेगी, तू मेले में नहीं जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि जिस तरह बंसी की माँ मेले से भाग गई थी, वैसे ही उसकी होने वाली बीवी भी मेले से भाग गई। ये चाबी अब उसी वक्त बाहर निकलेगी जिस दिन तेरी डोली इस घर से निकलेगी, समझी? बाबू मैं मेले में जाऊंगी, मुझे मेले में जाना है बाबू। बाबू मैना, मैना कौन है, कौन है? मैना और तोते का खेल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखो, कलकत्ते का हावड़ा ब्रिज देखो, सब देखा हुआ है, ये सब देखा हुआ मैंने। तो फिर पेरिस की गोरी मैम देखो। गोरी मैम? हाँ। क्या करती है, क्या करती है? खुद ही देख लो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मदद करो, मदद करो, जल्दी मदद करो, मदद। गोरी बेब का स्पेशल रेट है 10 रुपया। 10 रुपया? दिखाओ, पहले दिखाओ। हाँ, तुम तैयार हो? हाँ, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। साहब बड़े बेचैन है, देखो साहब। उतार दे। देखा मैना, तेरे बाप को तो मैंने ऐसा काम पर लगाया है कि रात भर बाइस्कोप देखता रहेगा। चल चल जा। अरे ओ घोड़े पर। हाँ, और कहा, चल बहुत मजा आएगा। अरे ये तो मैना है, मगर साथ में कौन है? पेलू राम तो नहीं हो सकता। मेरी मैना को तो भीम पलासी ने कमरे के अंदर बंद किया था और बाहर से ताला लगाया था। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की, घोड़े की क्या, हाँ, दुम पे जो मारा थोड़ा। कदम कदम पर घर वालों ने निगे पानी की, फिर भी ताला तोड़कर मैना उड़ गई। खैर हो इस जवानी की। तो फिर तू कौन है? मैं हूँ तेरा जीजा पेलू राम, वाल्ट खेलू राम, वाल्ट खेलू राम, वाल्ट खेलू राम। अब ये मैना मेरे लिए। और ये लाल मिर्च। देखता हूँ तुझे, अभी बुलाता हूँ भीम पलासी को, फिर बताऊंगा कि तू मेरा जीजा या मैं तेरा जीजा हूँ।
स्कोप देखते रहो, बाइस्कोप। उधर मेले में मैंने का सिनेमा स्कोप हो जाएगा। क्या बकते हो? चाबी मेरे पास है। चाबी? अरे किधर? कदम कदम पे निगाह पानी की, पिंजरा तोड़ के उड़ गई मैना। क्या रो जवानी की। क्या बार है यौवन की, जैसे पानी में आग लग गई हो। भूल गए उस दिन की हार? नहीं भूला, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ उस दिन का फैसला करने। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, आज पंजा लड़ा लो तो मजा आ जाए। एक जानवर मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता है। फिर आके खड़े हो गए मेरे और मेरे शिकार के बीच में। तुम्हारे हाथों को जुल्म करने की आदत पड़ गई है तो मेरे हाथों को जुल्म से लड़ने की आदत पड़ गई है। आज मैं तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। अगर मैं चाहूं तो इस गुस्ताखी के बदले में इस पिस्तौल में जितनी आग है तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं अपने गुस्से की खातिर उनके खानदान का किला चिराग बुझा दूं। जाओ अपने घर जाओ। ठहरो, जाने से पहले एक नजारा तो देखते जाओ। ये वो चीज है जिसके लिए तुम हमेशा तड़पोगे लेकिन कभी पा नहीं सकोगे। मैं क्या कर सकता हूं ये तुम्हें मालूम नहीं खाना बादोश? हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो एक एक को भून के रख दूंगा। इसको रस्सी से बांध कर इसी की लगाई आग में डाल दो। सुनो मुझे, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, मैं अपने हाथों से बस्ती बना दूंगा। जा तुम निकल जा। Thank you.
चलो आग कम हो गई। अभी कहाँ कम हुई, अभी तो आग लगी है। क्या मतलब? क्या कर रहे हो राजेश? तुम्हारा हार देख रहा हूँ माँ, बहुत खूबसूरत है। ये हमारे खानदान का नौलखा हार है। पहले इसे मेरी सास ने पहना, अब मैंने पहन रखा हुआ है, आगे चलकर हमारी बहू पहनेगी। ये क्या कर रहे हो राजेश, इसे लेकर कहाँ चल रही है? तुम्हारी बहू के गले में डालने के लिए। तुम इतने गिर गए हो कि आज तुम्हारा हाथ माँ की गर्दन तक पहुँच गया। जो आदमी नजरों से गिरा दिया गया हो उसे क्या मालूम उसके हाथ क्या कर रहे हैं और पांव कहां जा रहे हैं। राजेश सुनो, अल्लाह जब से हुई मैं जवान, अल्लाह जब से हुई मैं जवान, जमाना बीमार हो गया है, जमाना बीमार हो गया, आया जब से ये सल का वास्ता, आया जब से ये सल का वास्ता, दुपट्टा
मारवाड़ी पठान हो गया, मारवाड़ी पठान हो गया। अल्लाह जब से वीर है जवान, जमाना बेईमान हो गया है, जमाना बेईमान हो गया। अल्लाह सारे हैं धोबी, देखो मुझे आजमा के जरा। आशिक मेरा ऐसा कोई नहीं आए, दुल्हन बना के जाके ले जाए। ये ठान के ही तो हम है यहाँ आए, मर के ही छोड़ेंगे ये दर तेरा। बंदा कुर्बान हो गया, के बंदा कुर्बान हो गया। अल्लाह जब से हुई है जवान, जमाना बेईमान हो गया है, जमाना बेईमान हो गया। शक्ति सिंह जेल से कब छूटे? मैं जेल से छूटा नहीं, जेल तोड़ कर आया हूं। जितने दिन मैं वहां रहा, तुम्हारी तस्वीर को गले लगाता रहा, उसे चूमता रहा, लेकिन अब दिल बहलाने के लिए तुम्हारी तस्वीर काफी नहीं। मुझे अपनी बाहों में तुम्हारा रेशमी जिस्म चाहिए, तुम्हारा जालिम हुस्न चाहिए, तुम्हारी काफिर जवानी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं नाचती गाती जरूर हूँ, लेकिन अपने जिस्म का सौदा कभी नहीं करती। सौदा नहीं करती तो ना सही, खैरात ही दे दो। मैं भूखा जरूर आया हूँ यहाँ, लेकिन भूखा जाऊंगा नहीं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बहुत हो गया तुम्हारी बदतमीजी का तमाशा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी मर्द का हाथ एक कमजोर औरत पर उठे, चाहे वो औरत वेश्या ही क्यों ना हो। सुन लो दोस्त, तुम वैश्य के जीने पर तो चढ़कर खुद आए थे, लेकिन जाओगे चार कंधों पर सवार होकर। Thank you.
स्टार्ट करो, चलो। शमशेरा तुम? हाँ। उस दिन जेल में जो हमारा तुम्हारा मुकदमा शुरू हुआ था, मैं चाहता हूं कि आज उसका फैसला हो जाए। तुम्हारे सामने बंदूकें भी पड़ी हैं और तलवारें भी, जो चाहे हथियार उठा सकते हो। नहीं शमशेरा नहीं, तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है पुलिस से, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठा नहीं सकते, बढ़ा तो सकते हो। हमें तो तुम्हारी दुश्मनी भी अच्छी लगती थी और अब दोस्ती भी अच्छी लगती है। फिर एक बात बताओ दोस्त, मैं तो उस मोहल्ले में अपनी जान से मिलने गया था, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं अपने एक दुश्मन का पीछा कर रहा था जो उसी कोठे पर गया था। ओह, इससे तो यही जाहिर होता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है। दुश्मन ने हमारी दोस्ती की जंजीर में एक कड़ी और जोड़ दी है। दुश्मनी वो आग है जिसमें दोस्ती का लोहा तपकर फौलाद बनता है। इसी बात पर एक बार फिर से मिलाओ हाथ। सुनिए, अपनी अमानत तो लेते जाइए। अमानत? हाँ, जिस चीज को आप लेने आए थे उसे यही छोड़कर चले जाएंगे आप? बिहार जो आप वापस कर रही हैं, इसकी कीमत जानती हैं आप? जानती हूं, लेकिन इस हार की कीमत आपकी मुलाकात से बहुत कम है। कल रात जब मैंने आपको मुझ जैसी तवायफ को बचाने के लिए लड़ते हुए देखा, तो पता चला कि शैतानों की दुनिया में आप जैसे इंसान भी बसते हैं। खानदानी हार, तुम्हारा एक बेटा इसे ले गया था, समझ लो दूसरा बेटा वापस ले आया। हार तो तुम ले आए हो, लेकिन इस खानदान की इज्जत कब वापस आएगी? मैंने सुना है मेरा राजेश पागल हो गया उस नाचने वाले के लिए। जिस तरह आज हार ले आऊं मां, उसी तरह एक दिन राजेश भी आएगा। तुम्हारी आंखों से जो मोतियों की लड़ियां गिर रही हैं, उसके एक एक दाने पे मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर सकता हूं। भगवान, आज मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर आई हूं। ये कहने आई हूं कि ना तो मुझे तुम्हारी ये दुनिया चाहिए, ना वो, न आसमान पे बिखरे हुए तारे चाहिए और न जमीन के नीचे दबे हुए खजाने। चाहिए तो बस यही चाहिए, मुझे उस बाजार से उठा लो जिसे आज तक मैं अपनी मां की गोद समझती आई हूं, और मेरे सर पर वो आंचल डाल दो जो एक कोठे वाली को घरवाली बना सकता है। मां,
आप? तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, इसे कबूल कर लोगी तो समझूंगा मेरे जीवन को अर्थ मिल गया है। जीवन का अर्थ ही तो ढूंढने आई थी आज मैं मंदिर में। मुझे नहीं मालूम था कि देने वाले के हाथ इतने बड़े हैं कि भीख मांगने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। इसे घर जाकर खोलना, समझ लो मैं जो लाया हूं वो एक सपना है, पूर्णिमा की पिघलती हुई चांदनी का बना हुआ। सुहाग का जोड़ा आज मुझे क्या हो गया है? लगता है जो मोहब्बत हमेशा बेगानों की तरह इस दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी आज दरवाजे के अंदर आ गई है। सिर्फ इतनी कि पलंग पे फूलों की झालर नहीं लगाई गई और हमने धूले का सहरा नहीं बांधा। चलो कोई बात नहीं, सहरा हम सुहागरात के बाद बांध लेंगे। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अब मैं बाजार में बैठी हुई एक तवायफ नहीं हूँ, एक शरीफ आदमी की अमानत हूँ जो मुझसे ब्याह कर रहा है। अरे हम भी तो ब्याह ही कर रहे हैं तुमसे। लाओ एक चुटकी भर सिंदूर, हम भी तुम्हारी मांग में भर दें। तुम समझते क्यों नहीं, मैं अब रवि की दुल्हन बनने वाली हूँ। रवि की? हाँ। अरे तुम तो सारे शहर की दुल्हन बनने वाली हो, किसी एक की बन भी जाओगी तो कितने दिन बनी रहोगी? हर रोज दरवाजे के बाहर एक नई बारात खड़ी होगी और सबसे पहले मेरी बारात आएगी। तुम्हारी बारात नहीं आएगी, तुम्हारी अर्थी यहाँ से जाएगी। निकल जाओ यहाँ से। शाबाश, आज रवि की जिंदगी का आखिरी दिन है। उसकी जीप यहां से गुजरेगी तो धमाके में उसकी जान और मेरा इंतकाम दोनों खत्म हो जाएंगे। चोट तो नहीं आई? जिन्हें मैं वक्त पे कूद गया था।
लेकिन जीभ बिल्कुल खत्म हो गई। अरे तुम्हारी जान जीभ से कहीं ज्यादा कीमती है, लेकिन ये हरकत की किसने? आपके लाडले बेटे राजेश ने। क्या? वो देखिए भाग रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ, क्या किया है मेरे राजेश ने? आज ये एक ही छलांग इंसानियत की आखिरी हद से गुजर गया है। तुम जानती हो, आज इसने रवि की जान लेने की कोशिश की। रवि की? क्या ये सच है? यही सवाल जब अदालत में इससे पूछा जाएगा तो ये कह नहीं सकेगा कि ये झूठ है। सवाल तो आज मैं अपने आप से कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बेटा मांगा क्यों था। मैं तो अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा कि मेरी चिता को नीच से नीच आदमी आग दे, मगर ये अधिकार मेरे बेटे को ना मिले। मुझे ये अधिकार चाहिए भी नहीं, चाहिए तो सिर्फ अपना वो हक चाहिए जो आपने एक सगे बेटे से छीन कर एक बेगाने को दे दिया है। मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने रवि की जान पे हमला किया, मेरा जुर्म ये है कि मेरा हमला नाकाम रहा। आपने मुझे बुलवाया ठाकुर साहब? आइए इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसने रवि की जान लेने की कोशिश की है। ठाकुर साहब, तुम देख रही हो मां, पिताजी मेरे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। जो आज हुआ है बेटे, वो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। गलती तो हमारी है जो हमने जहर के पौधे को दूध से सींचा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ठीक है, इसे इसे एक मौका दे दीजिए, ये सुधर जाएगा। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। भिजवा दीजिए मुझे जेल में, चढ़वा दीजिए मुझे फांसी के ऊपर। इससे ज्यादा आप कर भी कर सकते हैं। आप मेरे बाप नहीं, कसाई है, कसाई है आप। सावित्री, क्या खबर लाए मंगलू? सरदार, प्रेम सिंह के बेटे राजेश ने रवि को मारने की कोशिश की, इसलिए प्रेम सिंह ने राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया। यह तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब शमशेरा बेटे को पुलिस से आजाद करा के उसे उसके बाप ठाकुर प्रेम सिंह को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा, और फिर ठाकुर प्रेम सिंह की चिता तैयार करेगा शमशेरा, और उसमें आग लगाएगा उसका बेटा राजेश। प्रेम सिंह, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? शमशेर और उसके आदमी राजेश को उठा के ले गए हैं। नौजवान, तुम्हारे दिल में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है। जवाब सुनने के लिए मैं सर से पांव तक कान बन गया हूं। मेरा एक रिश्ता तुम्हारे बाप से है और दूसरा तुमसे। तुम्हारे बाप से मेरी पुरानी दुश्मनी है और तुम्हारी कहानी उस दुश्मनी से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। डैडी से आपकी दुश्मनी क्यों है मैं जानता हूं, नहीं जानता तो दूसरी कहानी नहीं जानता। 20 साल पहले मेरा इकलौता बेटा मर गया था। तुम्हें सामने देखा तो मुझे लगा जैसे मेरा बेटा ही वापिस आ गया हो। अगर आज वो जिंदा होता
तो तुम्हारी ही उम्र का होता। उसके खून में भी जवानी की आग भड़क रही होती, आंखों से शोले लपक रहे होते मेरे दुश्मनों को जलाकर राख कर देने के लिए। अगर तुम्हारे बाप से मेरी दोस्ती होती तो मैं उसे कहता कि मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन अपना बेटा मुझे दे दो। आप अपने दुश्मन के बेटे को अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हो जाते? तैयार ही नहीं, बेकरार हूं। और सोचो तो अपने आदर्शवादी बाप के पास तुम जाकर करोगे भी क्या? वो फौरन तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। कत्ल की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही। जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी जवानी ढल चुकी होगी, खून में भड़कते हुए शोले बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो चुके होंगे। जिंदगी का जुलूस चल तो रहा होगा, लेकिन शमशान की तरफ जाती अर्थियों की तरह। मुझे बचा लीजिए अंकल, बचा लीजिए। अपने मरे हुए लड़के के सदके मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। कैसे कर सकता हूं बेटे? अपने जिस्म से अपनी जान को कौन अलग कर सकता है? और फिर मेरी जान तो पूरे 20 साल के बाद वापस आई है। अरे तू क्यों रो रहा है? मंगलवार रात को 8 बजे बारात लेकर आ जाना, मैं तेरी शादी मैना से करवा दूँ। मंगलवार रात को 8 बजे? आइए आइए जवाई राज, आइए। अरे नहीं, संभालो संभालो। ठीक है। अरे ये दूसरी बार आप कहां से आई? ये कौन है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन अरे सरकार, हीरिक रंजी दो, लड़की एक और बराते दो, ये क्या हो रहा है? दोनों दूल्हे अपने चेहरे दिखाओ। हाँ। अब तुम दिखाओ। पीलू, तुम्हें इस हरकत के लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जो मजनू को मिली थी। मारो इसे।
चला दुल्हन से दूल्हा, चला 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 दूल्हे का झूला, होगा होगा ससुर तेरा मुँह काला, लेके डोली चाहेगा ये दिल वाला। मिले रे दूल्हा दुल्हन मिले रे, मिले रे मिले रे दूल्हा दुल्हन मिले रे। दूल्हे को चुन के सुन बेटी सुन जरा सुन 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 तेरे डैडी की धुन धुन मैंने जिसे चुन लिया है तू भी उसी दूल्हे को चुन। ऐसे बाप भी होते हैं, बेटियां बेची जाती है यहाँ, बेटियां बेची जाती है इस देश में गंगा बहती है। बंसी इधर भी बंसी, ये क्या हो रहा है? अरे असली बंसी कौन है? असली बंसी मैं हूँ। हाँ बंसी। तो तुम कौन हो? पहलू पहलू तू ये कौन है? वो मेरे पिताजी हैं। वैसे तो बेटा बाप के काम आता है, लेकिन इस सिचुएशन में बाप बेटे के काम आया है। हम दोनों ने हमशक्ल होने का फायदा उठाया है। मेरे पिताजी हैं, वो मांस बनाने में माहिर हैं। ये उन्हीं का कमाल है। और अब तो मेरी शादी मैना से हो चुकी है, तो अब तो कोई डरने की बात ही नहीं है। क्यों पर दादाजी? चार यार मिल जाए वही कर दे चमत्कार, जहाँ चार यार मिल के वो चाल चले, अरे मिल के वो चाल चले, दुश्मन सब हाथ मल पार करे, ऐसा हो जाए बेड़ा पार, जहाँ चार यार ला 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 ला। मत छुओ मुझे। क्या हो गया तुम्हें बिजली? ये मुन्नी भाई कौन है जिसके पास तुम लाल जोड़ा लेकर गए थे?
वो मुन्नी भाई जिसका तुम जिक्र कर रही हो, वहां मैं गया जरूर था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से। अपनी अय्याशी को मजबूरी का नाम ना दो। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा दिल मुझसे भर गया था, इसलिए तुम मुन्नी बाई के पास गए थे? ये झूठ है बिजली। मैंने प्यार किया तो सिर्फ तुमसे किया है, मेरी जिंदगी के हर पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। मैं जाता रहा हूं बिजली, धर्म की रस्सी से बंधा वहां जाता रहा हूं। एक बड़े घर की औरत जिसे मैं मां कहता हूं, उस मां का अपना बेटा मुन्नी बाई के प्यार में होशो हवास खो बैठा था। उसे बाजार से घर लाने के लिए मुझे मुन्नी बाई से प्यार का नाटक करना पड़ा। मैं ये कैसे मान लूं कि जो तुमने उसके साथ किया वो नाटक था और जो मेरे साथ कर रहे हो वो नाटक नहीं है? मेरी आंखों में आंखें डालो और होंठों पे होंठ, तो मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। वो झूठ था, ये सच है। तो यकीन आया ना, मैंने उसे जो कुछ भी दिया था वो छलावा था। वो सुहाग की साड़ी, वो मांग का सिंदूर, वो लाल चूड़ियां। ये लो अपनी लाल चूड़ियां और पहना दो उस छिनाल को जिसे तुम अपने गले लगा रहे हो। दुनिया के तमाम जानवर अपने बच्चों की परवरिश अपने दूध से करते हैं, सिर्फ नागिन अपने पिल्लों को अपने जहर से पालती है। और फिर मैं तो वो नागिन हूं जिसने सदियों से और नस्लों से सिर्फ जहर ही पिया है। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी और जब मिलूंगी तो वो सारा जहर एक साथ तुम्हारे मुंह पर उलट दूंगी। शक्ति सिंह, तुम और यहां? हां शक्ति सिंह, तुम हमेशा चल के मेरे पास आया करते थे, लेकिन आज मैं खुद तुम्हारे पास आई हूं। प्यासा पहले कुएं के पास आया करता था, आज कुआ चल के प्यासे के पास आया है। मेरी प्यास तो सिर्फ तुमसे शादी करने से है, तुम्हें अपना बनाने से है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने से है। मिलन ऐसा होगा हमारा जैसे सारंगी और तबले का होता है। मिलन जरूर होगा शक्ति सिंह। मैं अपना हुस्न, अपनी जवानी, जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुम काम बोलो मुनी भाई, तुम्हारे मुंह से जो बात निकलेगी पूरी की जाएगी। मैं चाहती हूँ एक बार, सिर्फ एक बार रवि को मेरे सामने खड़ा कर दो। उसके हाथ और उसके पांव पर इख्तियार तुम्हारे होंगे, लेकिन इसके जान पर हक सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। समझ लो मुनी भाई, तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। Ha 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 ha
रवि, ओ गॉड, अपने रहमत के फरिश्तों को हुक्म दो कि वो रवि के सिरहाने खड़ी हुई उसकी मौत को उसे छूने की इजाजत ना दे। बरसों पहले जो कहानी इस अस्पताल में शुरू हुई थी वो ऐसे अस्पताल में खत्म ना हो। कौन सी कहानी माँ? एक औरत की कहानी जिसकी शादी नहीं हुई थी और वो मां बनने वाली थी। एक बच्चे की कहानी जिसे उसने जन्म दिया और उसे कह दिया गया कि उसका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है। रवि वही बच्चा है जिसकी जिंदगी मैं आज अपने गॉड से मांग रही हूँ। मगर उसकी माँ कहाँ है? ठाकुर प्रेम सिंह की पत्नी सावित्री ही रवि की माँ है। किसकी मंगल कामना करने जा रही हैं आप? मैंने पूछा किस पति की मंगल कामना करने जा रही हैं आप? कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आई हो? हूँ तो एक कोठे वाली और नाम है मुन्नी बाई, लेकिन मैं भी आपकी तरह घरवाली बनना चाहती हूँ। इसीलिए आज करवा चौथ के दिन आपके दरवाजे पर दो चुटकियां सिंदूर की मांगने आई हूँ। अपने पांव में बंधे हुए घुंघरू को देखो और फिर मेरे मंदिर जैसे घर पर नजर करो जहां तुम इस वक्त खड़ी हो। आप भी अपने गले में पड़े हुए खानदानी नौलखे हार को देखिए जो आपके बेटे राजेश ने एक दिन मेरे गले में डाला था, और फिर इस सुहाग के जोड़े पर नजर डालिए जो आपका दूसरा बेटा रवि खुद मेरे पास लेकर आया था। मैं आपके पास आज इसलिए आई हूँ कि आप अपने दोनों बेटों की शादी मुझसे करा दें। विश्वास रखिए मैं उन दोनों की जिंदगी स्वर्ग बना दूंगी। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? मुझ जैसी बहू को दो शादियां करने में शर्म कैसी, जब आप जैसी सास को शर्म नहीं आई एक शादी के बाद दूसरी शादी करते हुए। क्या बकवास कर रही हो? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए एक विजय नाम का शूरवीर आपकी जिंदगी में आया था। ये झूठ है। तुमने और विजय ने चुपचाप शादी कर ली थी, क्या ये भी झूठ है? तुम्हारी एक औलाद भी हुई थी, क्या ये भी झूठ है? जिसे डॉक्टर और तुम्हारे बाप ने मरा हुआ करार दिया था, क्या ये भी झूठ है? क्या चाहिए तुम्हें? सबसे पहले मुझे ये खानदानी नौलखा हार चाहिए जो अब भी आपके गले की शोभा बना हुआ है, और फिर वो तमाम जेवर चाहिए जो आपने अपने आने वाली बहुओं के लिए तिजोरी में बंद कर रखे हैं। खबरदार मुन्नी भाई, अगर इस हार को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते ठाकुर साहब। अगर हाथ काट नहीं है तो अपनी बीवी के काटिए जिसने आपकी नाक कटा रखी है, जिसने आपको धोखा दिया है। निकल जाओ यहां से। अब मैं तुमसे पूछता हूं सावित्री, जो कुछ इसने कहा क्या वो सच है? इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे, अपने पति से जिसे तुम परमेश्वर मानती थी? मैं पूछता हूं इतना खूबसूरत धोखा क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया आखिर क्यों? वक्त से बढ़कर धोखेबाज और कोई नहीं होता। जो सच्चाई कड़वी हो उसे छुपाना कोई पाप नहीं है। जो सच्चाई बोलने से घर में आग लग जाए उसे ना बोलना ही ठीक है। मरते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे यह वचन लिया था, पर आज जब आप सब कुछ जान गए हैं तो और एक सच्चाई भी जान लीजिए, मेरे स्वर्गीय पति की संतान रवि है। पर मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं ये जानती हुई कि रवि मेरा बेटा है, मैंने उसे आज तक बेटा कहकर पुकारा नहीं। माँ के सामने बेटा हो और माँ उसे गले से ना लगाए ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े कारनामे हैं तुम्हारे, छोटा काम तो तुमने कभी किया ही नहीं ना। मेरे बेटे राजेश को जानबूझकर इतना प्यार दिया कि वो गलत रास्ते पे चला जाए, ममता का नाटक करके जहर दिया तुमने उसे, और एक माँ होकर धीरे धीरे उसे गुनहगार बना दिया, और फिर अपने असली बेटे को एक देवता के रूप में मेरे सामने पेश कर दिया। ये सच नहीं है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
भगवान की निगाहों के सामने कोई गिरा हुआ नहीं होता। बाबूजी, पहाड़ से फेंका हुआ आदमी शायद बच जाए, लेकिन नजरों से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं बचता। और आज आप मेरी नजरों से गिर गए। रवि, मैं इतना ऊंचा नहीं सुनता कि गिरे हुए आदमी की बात ना सुन सकूं। मेरी मां कितनी महान है, आपकी मर्यादा रखने के लिए इसने कितना बड़ा त्याग किया है। कोई मां अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी मां ने वो करके दिखाया है कि सारी नारी जाति को गर्व होना चाहिए। नीच कमीने मेरे ही टुकड़ों पर पलता और मुझसे जबान लड़ाता है। अगर तूने जलील औरत की हिफाजत करनी, बाबूजी, अभी तक इस हाथ ने आपको बचाने की कोशिश की है क्योंकि वो मेरा परम धर्म था, लेकिन मां पर अगर किसी ने हाथ उठाया तो यह हाथ मां के बेटे का फौलादी हाथ बन जाएगा और मां की हिफाजत करना मेरा परम धर्म होगा। चलो मां। नहीं रवि, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में डोली में बैठ कर आई थी, अब तो इस घर से मेरी मिट्टी उठेगी। मेरे लिए तुम मिट्टी ही हो, जब चाहो उठ जाओ। सुना मां, लेकिन मेरे रहते हुए उन लोगों की मिट्टी उठेगी जो तुम्हारी मिट्टी खराब करना चाहते हैं। चलो। क्षमा और दया का दान तुम्हें इन दरवाजों से नहीं मिलेगा मां। इस खानदान की तो यह रस्म है कि जख्मों पर मरहम ना लगाया जाए, पहले उन पर नशा चलाया जाए, बाद में नमक छिड़का जाए। आओ आओ। शाबाश मुन्नी भाई, शाबाश। बरसों के बाद आज वो दिन आ गया है बेटे जिसका हमें इंतजार था। लोहे की वो दीवार चकना चूर हो गई है जो आज तक प्रेम सिंह को मुझसे बचाती रही। आज हम सबको अपना अपना हिसाब चुकता करना है। तुम्हें अपना हक मांगना है अपने बाप से, मुन्नी बाई को अपने घायल प्यार की कीमत मांगनी है रवि से, और शक्ति सिंह को अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी जान की बाजी लगानी है, और मुझे अपनी नफरत की आग ठंडी करने के लिए प्रेम सिंह का खून पीना है। और राजेश, आओ मेरे साथ, हम दोनों की मंजिल एक है। और तुम शक्ति सिंह मेरे साथ आओ। अगर तुमने रवि का किस्सा तमाम कर दिया तो मेरे तमाम इनकार तुम्हारे सामने हथियार डाल देंगे। सामना कर अपनी मौत का, जिसने तुझे बरसों ढूंढा है और आज तेरे दरवाजे पर आ पहुंची है। ये क्यों नहीं कहता कि तू खुद मौत के दरवाजे पे आ गया है। राजेश, हवेली के अंदर से सिर्फ एक बंदूक आग उगल रही है। तुम हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, हवेली का खुफिया रास्ता बताओ। रवि, आज फिर किसी जगह जुर्म की आंधी उठी होगी, किसी सुहागन का सिंदूर खतरे में पड़ गया होगा। बेटा, तू जल्दी जा, जल्दी जा। Thank you.
पानी पानी पानी। उठो बेटी, ये लो पानी पी लो। आपने मुझे बेटी कहा, और क्या कहती बेटी? लोगों ने मुझे सैकड़ों नामों से पुकारा है, किसी ने वैश्या कहा, रंडी कहा और कोठे वाली कहा है, लेकिन आज तक इतने प्यार से किसी ने मुझे बेटी नहीं कहा। बेटी, लोगों ने हमें ये सब नाम दिए हैं और इन लोगों ने हमें पत्नी भी कहा, बीबी भी बनाया, बहन भी बनाया। ठाकुर, याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मेरी एक आंख ली है, तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहां है तुम्हारा वो परम धर्म वाला जिसके बलबूते पर तुम इतना उछलते थे? इंतकाम की जो भट्टी मैंने अपने सीने में परसों से तपाई रखी है, मैं चाहता तो था कि उसके अंगारे अपने हाथों से तुम्हारे बाप के मुंह पर उड़ेल दूं। क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा है, इसलिए यह हक मैं तुम्हें देता हूं। ये लो पिस्तौल और उतार दो सारी की सारी गोलियां अपने बाप के सीने में, जिसने तुम्हें जायदाद नहीं दी, दौलत नहीं दी, बाप का प्यार नहीं दिया, दी है तो सिर्फ मुंह भरकर गालियां और जमाने भर की ठोकरें। चलाओ गोली और खत्म कर दो इस बाप बेटे के झूठे नाटक को हमेशा के लिए। क्यों कांप गए? सांस क्यों उखड़ गई? हाँ, समझा, शायद वो बुजदिली तुम में वापस आ गई है जो तुम्हें अपने बाप से खून में मिली थी। जा जाकर बैठ जा अपनी बाप की गोद में। राजेश, राजेश। और अब देख ठाकुर, जब एक मर्द निशाना बांधता है तो उसका शिकार कैसे तड़प तड़प कर मरता है। एक आंख के अंधे, अपने दोनों कानों से सुन, यह तेरी तीसरी और आखिरी गलती है। अब की बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अपने कुत्तों से कह दे अपने बंदूकें फेंक दे, वरना एक गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। बंदूकें फेंक दो। तुमने क्या समझा था? अपनी अंधी इंतकाम की आग में इन दोनों को जला सकते हो? इसमें से एक को मैंने भाई माना है और दूसरे को पिता का दर्जा दिया है। अबे ओ दो नंबर के बेटे, तू ये कैसे भूल गया कि इसने तेरी मां को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और इसी ने कहा था कि तू इसका नहीं किसी राहगीर का तोहफा है। मैं एक बहादुर बाप की यादगार हूं जिसने अपनी जान दे दी सुहागनों को बचाते हुए। ये मेरे पिता ना सही लेकिन मेरे मां के सुहाग हैं और उनके सुहाग को बचाना मेरा परम धर्म है। रुक जाओ, बंदूक। बांध दो इन हरामखोरों को। मैं तुम्हें मामूली मौत नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जला के मारूंगा।
मशाल तैयार करो। ठहरो शमशेरा, ये मेरा शिकार है। जिस तरह इसने मेरे दिल को जलाया है, उसी तरह आज मैं इसे जला दूंगी। शाबाश मुन्नी भाई। रवि, जला दे जलाने वाले को। बाबू अब यहाँ क्या खड़े? वहाँ पता है? ओह, बोलो आपने किनारे को फाड़ा किसने? अरे शमशेरा ना, और किसने? शमशेरा? बुरा बता क्या तेरा? दो 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 ने दो दो ने मारने का, एक आदमी को दो ने मारेगा? मेरे को मारेगा? नहीं, तेरे को साथ में लेके जाऊंगा। साथ में लेके जाएगा तेरी। अबे छोड़। ए ए डकुआ, औरत पे हाथ उठाता है? अरे हिम्मत है तो मुझसे लड़। ये अरे ये तुमने मेरी मौत अपने सर पे क्यों ले ली? रवि, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकी। सोचा कि तुम्हारी मौत को ही अपने गले लगा लूं। मैं उम्र भर तवायफ कहलाती रही हूँ, लेकिन मैं तवायफ रहकर मरना नहीं चाहती। अगर हो सके तो मुझे अपनी सुहागन बना दो रवि। को जहां मारना होता है वहीं खींच कर लाती है। ये भगवान और ये फरिश्ता गवाह है कि ये वही जगह है। वही दिन है। विजय, मरते वक्त हर गुनाह की तस्वीर सामने आ जाती है। मेरे पिता के कातिल, गौर से देख, तेरी मौत का नाम विजय नहीं रवि है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पिता की आत्मा मुझ में समा गई है, तेरा नाश करने के लिए। अगर शमशेरा को कुछ हुआ तो तुम्हारी माँ का क्रियाकर्म यही हो जाएगा। वाह शक्ति, तू फिकर मत कर बेटे, इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दे। सुहागनों की सुहाग को मिटाने वाले इस पापी को हमेशा के लिए मिटा दे। बच्चों को अनाथ करने वाले इस राक्षस को खत्म कर दे। तूने ठीक ही कहा था हरामी की औलाद, ये वही जगह है, वही वक्त है और वही माहौल।
नवीन, विजय के पिल्ले, अगर तेरा कोई भगवान है तो बुला ले उसे मदद के लिए, क्योंकि अब ये शैतान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। माफ नहीं करोगे? प्यार प्यार प्यार